सभी को मेरा सुप्रभात। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राज टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से, और आज मैं आपके सामने यह व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि बीएड के जो शिक्षार्थी हैं और जो खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षार्थी हैं, उनके लिए यह उपयोगी होगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो कोर पेपर है बीएड E03, उसके अंतर्गत हम उसकी जो फर्स्ट ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट में जो पिछला व्याख्यान था, पिछले व्याख्यान में हमने मापन क्या है, मापन की परिभाषाएं क्या क्या हैं, इसके अलावा मापन के स्तर कौन कौन से हैं, किस स्तर के मापन में किस प्रकार के चरों का मापन किया जाता है, इसके अलावा चर क्या हैं, गुणात्मक चर क्या है, मात्रात्मक चर क्या है, और मापन में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं जिसके अंतर्गत हमने जो उसकी मापन की विश्वसनीयता से संबंधित त्रुटियां, मापन की वैधता से संबंधित त्रुटियां एवं मापन की जो वस्तुनिष्ठता है उससे संबंधित त्रुटियां कौन सी होती हैं, इसके अलावा जो मानक होते हैं मापन के लिए, जो नॉच डेवलप किए जाते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग मापन के अतिरिक्त जो आकलन है, असेसमेंट है, और जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है आकलन एवं मूल्यांकन का संप्रत्यय अर्थ एवं परिभाषा। हम लोग असेसमेंट और मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे, और इस अध्ययन करने के बाद जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे आकलन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें आकलन किन किन रूपों में यूज होता है, मापन की संकल्पना क्या है, मूल्यांकन की संकल्पना क्या है, और आकलन की संकल्पना क्या है, इनमें संबंध किस प्रकार का है, इसके अलावा जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो किस प्रकार निरूपित होता है या उसके सोपान कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जान सकेंगे या इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आकलन क्या है, आकलन का संप्रत्यय क्या है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि मापन का जो संप्रत्यय है, मापन के संप्रत्यय के अंतर्गत बात की थी कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विचार हो या तथ्य हो, उसकी जो विशेषताएं हैं या जो गुण हैं उनको अंक प्रदान करना ही मापन है। लेकिन आकलन क्या है, आकलन में क्या है, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई भी तथ्य हो, उसकी जो विशेषता है या जो गुण हैं उनके बारे में हम साक्ष्य एकत्रित जो करते हैं, यह किस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है, यह आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या तथ्य में गुण समाहित हैं उनकी हम स्पष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं कि इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं या सत्यता क्या है या कहाँ पर विरोधाभास है या वास्तविक चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर भविष्य में इसमें और क्या सुधार किए जाएं जिससे कि यह और बेहतर हो सके। तो इस उद्देश्य से हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य का आकलन करते हैं। देखिए, बहुत से विद्वान ऐसे हैं या बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो कि आकलन एवं मूल्यांकन को एक जैसा मानते हैं या समानार्थी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर इसको साहित्यिक दृष्टि से देखें तो जो ब्रिटेन का साहित्य है वहाँ पर
आकलन कहते हैं जिस परिप्रेक्ष्य में जो अमेरिकन साहित्य है, अमेरिकन साहित्य में जिस परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन कहते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश साहित्य में आकलन कहते हैं। क्योंकि आकलन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बगल में बैठना या निर्णयकर्ता की मदद करना। अब ये बगल में बैठना या निर्णयकर्ता की मदद करना ये शाब्दिक अर्थ क्यों है? क्योंकि जो मूल्यांकन है, चूंकि मूल्यांकन आकलन से बृहद संप्रत्यय है, तो मूल्यांकन किया जा सके या निर्णय किया जा सके, उन निर्णयों को लेने में, मूल्यांकन को करने में सहायता करना। जो निर्णय ले रहा है या जो मूल्यांकन कर रहा है उसकी सहायता करना या मदद करना आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। आकलन को कुछ लोगों ने परिभाषित किया है, जिसमें से एक परिभाषा आपके सामने है स्क्रीन पे। इसमें क्या है, इरा जो कि 1999 में परिभाषा दी थी, उन्होंने कहा कि आकलन सूचना संग्रह करने की एक व्यवस्थित प्रविधि है जिसका उपयोग व्यक्ति या वस्तुओं के जो अभिलक्षण हैं उनके बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसको अगर इस परिभाषा का हम विश्लेषण करें तो क्या कहेंगे कि आकलन साक्ष्यों को संग्रह करने, उसे व्याख्या के रूप में परिवर्तित करने, जो साक्ष्य हमने एकत्र किए हैं उनको व्याख्यायित किया जा सके इस रूप में बनाने और निर्णय लेने के लिए सहायता देने के रूप में आकलन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो आकलन है वो मूल्यांकन से संकुचित है और मूल्यांकन जो है वो आकलन से व्यापक है। लेकिन जो आकलन है वो मापन से विस्तृत है, ठीक है, मापन से विस्तृत है लेकिन मूल्यांकन से छोटा है। अगर हम बात करें मूल्यांकन की तो मूल्यांकन क्या है, चूंकि इसके अगर शाब्दिक दृश्य से देखें तो मूल्य प्लस अंकन, मूल्यांकन सब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उसमें मूल्य है और दूसरा क्या है, अंकन, मूल्यों का अंकन करना या मूल्यों को आंकना। जब कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी तथ्य हो, उसके मूल्य का निर्धारण करते हैं तब वह क्या होता है, मूल्यांकन होता है। लेकिन मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं, मूल्य के निर्धारण में मापन की भी आवश्यकता है और आकलन की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि मूल्य का निर्धारण किस आधार पर करेंगे, जब तक किसी भी व्यक्ति वस्तु या तथ्य के संबंध में हम जानकारी नहीं इकट्ठा करेंगे या साक्ष्य नहीं एकत्रित करेंगे तब हम उसके बारे में कैसे कोई निर्णय कर सकते हैं या उसके मूल्य का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। मूल्य का निर्धारण तभी होगा जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होंगी, तो वो जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त हो, वो जानकारी रिलेवेंट हो, सुसंगत हो, वो सार्थक हो, इसके अलावा वो विश्वसनीय हो, वैध हो, इन सभी पर मूल्यांकन आकलन और मापन की सफलता तय करती है। यदि जानकारियाँ वैध नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, इसके अलावा वह सार्थक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिस चीज की बारे में हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसका गलत मूल्यांकन हो सकता है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। चूंकि यहाँ पर हम लोग ऐसे ही किसी भी व्यक्ति वस्तु या तथ्य के बारे में हम मूल्यांकन करते हैं, लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। चूंकि आप सभी लोग बीएड के शिक्षार्थी हैं तो आप लोग भावी शिक्षक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा कार्य कर रहे हैं वो प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर, और जिन्हें टीजीटी के माध्यम से आगे प्रोग्रेस करना है वो लोग डीएलएड या पूर्व में बीटीसी जो किए हुए हैं और अब बीएड कर रहे हैं। तो
वो भी क्या है, भावी शिक्षक होंगे, वर्तमान में भी शिक्षक हैं, शिक्षक होंगे, लेकिन वो कैसे शिक्षक होंगे, वो शिक्षक बनने से पूर्व क्या योग्यताएं क्षमताएं होनी चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार से अच्छे से पढ़ाया जा सके, जिससे वह अधिक से अधिक अधिगम कर सकें, इसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि जिन शिक्षार्थियों को पढ़ाना है उनको किस उद्देश्य से पढ़ाना है, क्योंकि समाज के व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, और उन्हीं के अनुरूप क्या है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। पिछली क्लास में या पिछले व्याख्यान में हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी कि जो उद्देश्यों का निर्धारण होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति, जो उद्देश्य शिक्षा के लिए निर्धारित हुए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, या उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है, इन सभी की जानकारी के लिए ही मापन और मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, आकलन की आवश्यकता पड़ती है। तो एनसीईआरटी जो कि राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जो कि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, तो एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो कि जो शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित हुए हैं उसकी पूर्ति की सीमा तक हो रही है, साथ ही साथ कक्षा में जो अधिगम अनुभव दिए जा रहे हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस दी जा रही है, वह कितने प्रभावशाली हैं या नहीं, और शिक्षा के उद्देश्य किस ढंग से अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं या नहीं, इन सभी को ही जांचना क्या है, मूल्यांकन है। ये एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को परिभाषित किया। मापन आकलन एवं मूल्यांकन में कैसा संबंध है, क्योंकि आपकी फर्स्ट यूनिट में मापन आकलन और मूल्यांकन तीनों के बारे में हम सभी लोगों को पढ़ना है, तो इनके बीच संबंध कैसा है, ये हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो मापन है, मापन आकलन में समाहित है, और जो आकलन है वो मूल्यांकन में समाहित है, और मूल्यांकन में आकलन भी समाहित है और मापन भी समाहित है। कैसे, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप सभी लोग किसी न किसी कक्षा या किसी न किसी शैक्षिक स्तर पर परीक्षा दिए होंगे, तो उसमें मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न हैं, हम बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए आपको 20 प्रश्न दिए गए कि इन 20 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। अब उन 20 प्रश्नों को आप सभी लोग, आपकी आपके जो सहपाठी हैं, सभी शिक्षार्थी उन 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो उनमें से कोई 20 में 20 हल करेगा सही प्रकार से, कोई 18 सही प्रकार से हल कर पाएगा, कोई 15 सही प्रकार से हल कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, जो 20 प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी कक्षा कक्ष के विद्यार्थी हैं, वह अलग अलग संख्या में प्रश्नों को सही प्रकार से हल करेंगे। तो अब देखिए, उन 20 प्रश्नों पर प्रत्येक जो सही प्रश्न होगा, मान लीजिए उस पर एक अंक दिया जाता है। आप लोगों ने उन 20 प्रश्नों को हल किया और 20 प्रश्नों के प्रत्येक सही प्रश्न पर आपको एक अंक दिया जाता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0 अंक आवंटित किया जाता है। तो ये जो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको एक अंक मिल रहे हैं,
और जो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए शून्य अंक मिल रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? मापन, आकलन या मूल्यांकन? ये मापन का उदाहरण है। इसके अलावा और क्या मापन का उदाहरण है? कुल कितने अंक मिले, किसी भी शिक्षार्थी को कुल कितने अंक मिले, ये भी किसका उदाहरण है? मापन का। अब देखिए इसके आगे की चीजें क्या हैं जो कि आकलन के अंतर्गत आएंगी। जैसे अब हर शिक्षार्थी या जो विद्यार्थी है उसका जो अचीवमेंट है या निष्पादन है उसका, उसकी जो उपलब्धि है वो किस स्तर की है? वो उच्च स्तर की हो सकती है, वो औसत स्तर की हो सकती है और वो निम्न स्तर की हो सकती है। तो ये जो उपलब्धि का स्तर है कि कोई शिक्षार्थी औसत रूप से उसकी उपलब्धि रही इस प्रश्न पत्र पर, या अधिक उपलब्धि रही या कम उपलब्धि रही, इसका निर्धारण किसके आधार पर हो रहा है? ये आकलन है, ये आकलन के आधार पर हो रहा है। इसके अलावा शिक्षार्थियों को जो 20 प्रश्न थे वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से पूछे जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों से पूछे जाएंगे, तो शिक्षार्थियों को, अधिकांशतः शिक्षार्थियों को किस क्षेत्र में, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके किस क्षेत्र में अधिक त्रुटियां हुई या किन किन क्षेत्रों में उन्हें कठिनाइयां हुई जिससे कि वह सही प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। या आकलन का एक उदाहरण और समझते हैं। बहुत से शिक्षार्थी ऐसे होंगे जिनको एक विशिष्ट क्षेत्र में जो सवाल पूछे गए थे उनमें वो कठिनाई का अनुभव किए होंगे जिसकी वजह से वो प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाए हैं। तो ये भी आकलन का ही कार्य है या आकलन के अंतर्गत आता है कि किन क्षेत्रों में शिक्षार्थियों को समस्या हुई या समस्या विद्यमान है, इसका निर्धारण करना भी किसका काम है? आकलन का। मूल्यांकन क्या है? अभी हमने एक उदाहरण पे बात की थी जिसमें अधिगम के स्तर की बात की थी कि अधिगम स्तर का निर्धारण किसी शिक्षार्थी किस अधिगम स्तर के अंतर्गत आता है, लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत क्या करेंगे कि कौन सा अधिगम स्तर वांछनीय है, किस विद्यार्थी के लिए कौन सा अधिगम स्तर वांछनीय है, वांछनीयता क्या है कि एक शिक्षक या समाज, आपके माता पिता या अभिभावक आपसे किस स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, वह आपको जो संसाधन प्रदान करते हैं उन संसाधनों के सापेक्ष ही आपसे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। तो कौन सा अधिगम स्तर वांछनीय है या वांछनीय नहीं है? जैसे विद्यार्थियों ने कुछ उच्च अधिगम स्तर प्राप्त किया और कुछ लोगों ने औसत प्राप्त किया, कुछ लोगों ने निम्न प्राप्त किया। अब इन उच्च, औसत और निम्न में से कौन सा अधिगम स्तर तक वांछनीय है और किस अधिगम स्तर तक के विद्यार्थी हैं जिनमें कुछ परिमार्जन की आवश्यकता है या उनके पठन पाठन में किस प्रकार के शिक्षण विधियों या संसाधनों का प्रयोग किया जाए जिससे उनका भी जो अधिगम स्तर है वह ऊपर उठ सके। तो जो गुण हैं या जो विशेषताएं हैं उनकी वांछनीयता का निर्धारण या उनके मूल्यों का निर्धारण किसके अंतर्गत किया जाता है? मूल्यांकन में। इसीलिए मूल्यांकन के अंतर्गत आकलन भी समाहित है, मापन भी समाहित है, और आकलन के अंतर्गत मापन समाहित है। अब देख लीजिए कि अब आप लोग समझ चुके होंगे, मापन पिछली कक्षा में ही समझ चुके होंगे या पिछले व्याख्यान में समझ चुके होंगे, और
आकलन मूल्यांकन क्या है इसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें जो आकलन होता है वो किन किन रूपों में प्रयोग होता है, तो यह तीन तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, और अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज ए लर्निंग। क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें समझेंगे कि असेसमेंट किन किन रूपों में यूज होता है या असेसमेंट का प्रयोग किन किन रूपों में होता है। जैसे अधिगम का आकलन, मतलब जो आपने अधिगम किया है, आपने जो कुछ सीखा है समझा है, तो कितना सीखा है, क्या समझा है, क्या सीखा है, उसका आकलन जब हम करते हैं तो वह अधिगम का आकलन कहलाता है। अभी विस्तृत से आगे इसकी चर्चा करेंगे। अधिगम के लिए आकलन क्या है कि जिस वक्त हम अधिगम करते हैं उस वक्त आकलन करते हैं, अधिगम के रूप में आकलन सीखने के लिए ही हम आकलन करते हैं। जब हमें सीखना होता है तो सीखने के लिए ही अधिगम करते हैं, तो वो अधिगम के रूप में आकलन होता है। अब हम इनकी एक एक विस्तृत चर्चा करते हैं। अधिगम का आकलन, मान लीजिए कि आप लोग देखते होंगे यूनिट टेस्ट होता है या वर्ष के अंत में होता है। अब जहां पर सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है तो प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, मतलब 6-6 माह के ये सेमेस्टर होते हैं, तो प्रत्येक 6 माह बाद हम मूल्यांकन करते हैं कि या आकलन करते हैं कि जो शिक्षार्थी 6 महीने में सीखे हैं तो कितना सीखे हैं, क्या सीखे हैं, उन सभी का पता लगाने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से, या कोई पाठ, कोई इकाई, कोई यूनिट आप पढ़ते हैं तो उस यूनिट की समाप्ति के बाद आप सीखते हैं। अधिगम का आकलन जो है इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी इकाई या यूनिट समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमने उस इकाई या यूनिट से क्या सीखा, कितना सीखा, ये जानने के लिए हम कोई टेस्ट दें, परीक्षण दें, और उस पर जो अंक आएंगे उसके आधार पर निर्धारित होगा कि आपने कुछ सीखा या नहीं। इसके अलावा सेमेस्टर प्रणाली में प्रत्येक 6 माह के बाद आपने 6 माह में कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा और कितना पढ़ा, उसके बारे में जानने के लिए परीक्षण में विभिन्न विषयों से संबंधित जो भी आपके पेपर हैं आपके कोर्स में, उनसे रिलेटेड प्रश्न रखे जाते हैं जो 6 महीने में आपको पढ़ाया गया है, तो उन पर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं और उस पर जो अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं या आकलन करते हैं कि आपने कितना सीखा। इसी तरह वार्षिक परीक्षाओं में भी हम वर्ष के अंत में यह जानने का प्रयास करते हैं परीक्षण के माध्यम से कि शिक्षार्थी ने कितना और क्या क्या सीखा, और उसके आधार पर हम जो अंक प्राप्त करते हैं उसके माध्यम से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण या उनका जो परीक्षा परिणाम है उसको जानकारी, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये अधिगम का आकलन, जब ये परिणामों की जानकारी होती है तो सिर्फ यह परिणामों की जानकारी शिक्षार्थी को ही नहीं होती। हमारा कहने का अर्थ है कि अधिगम के जो परिणाम हैं कि आपने
कितना सीखा, यह परिणाम शिक्षार्थी को भी सूचना देते हैं और जो शिक्षार्थी के अभिभावक होते हैं उन अभिभावकों को भी ये सूचना देते हैं कि आपके शिक्षार्थी ने इतना सीखा। इसके अलावा शिक्षक को भी वही सूचना प्रदान करते हैं, या अन्य जगहों पर आप देखते होंगे जहां भी आपके एकेडमिक मार्क्स जुड़ते हैं या जहां पर भी परीक्षा के मार्क्स द्वारा किसी का चयन होता है वहां पर ये मार्क्स सूचना देते हैं कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा था। ये तो, लेकिन इसमें क्या है कि जो अधिगम का आकलन होता है वह इस उद्देश्य से नहीं होता है कि अगर शिक्षार्थी में सीखने में कोई कमी है, रह गई है, तो उसकी पूर्ति की जा सके। क्यों? क्योंकि यह योगात्मक प्रकार का मूल्यांकन है या योगात्मक प्रकार का आकलन है, क्योंकि आकलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कई आधारों पर इनका वर्गीकरण करते हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने योगात्मक मूल्यांकन की बात की, क्योंकि जो अधिगम का आकलन है उसमें योगात्मक मूल्यांकन होता है, जबकि जो अधिगम के लिए आकलन है उसमें रचनात्मक मूल्यांकन या आकलन होता है। यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, ये समझ लीजिए। जब वर्ष के अंत में या 6 माह के अंत में इस उद्देश्य से मापन करें, आकलन करें या मूल्यांकन करें जो कि विद्यार्थियों में कमियों को दूर करने के लिए या विद्यार्थियों को लर्निंग में, अधिगम में जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने कितना सीखा है और उसके आधार पर छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने या उनका जो अधिगम स्तर है वह उच्च स्तर, निम्न स्तर या औसत स्तर का है यह निर्धारित करने के लिए जब कोई मूल्यांकन सिर्फ किया जाता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन होता है। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन वह है जब हम इस उद्देश्य से शिक्षार्थी का आकलन, मापन या मूल्यांकन करते हैं, जब शिक्षार्थी में कहां पर कमियां रह गई हैं, उन्हें किन किन क्षेत्रों में सीखने में परेशानी हो रही है, उन परेशानियों को आइडेंटिफाई करके या पहचान कर और फिर उनका समाधान किया जा सके, जब इस उद्देश्य से मूल्यांकन किया जाता है तो वह रचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक आकलन होता है। जैसे अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन क्या है कि अधिगम के लिए आकलन में हम देखते हैं कि जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब हम व्यक्तियों या शिक्षार्थियों में किसी विषय से संबंधित जो गुण हैं या विशेषताएं हैं या जो कमियां हैं उनको ढूंढते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी पहचान करते हैं, तब वह अधिगम के लिए आकलन होता है। क्यों? क्योंकि जहां पर हमें जानकारी प्राप्त होती है कि शिक्षार्थियों को समझने में दिक्कत आ रही है इस टॉपिक को, तो हम क्यों ये दिक्कत आ रही है उनको पहचान कर और फिर जिस वजह से दिक्कत आ रही है उसको दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि की वजह से कोई बच्चों में दिक्कत आती है तो शिक्षक शिक्षार्थियों को अन्य शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता है। इसके अलावा यदि वह शिक्षार्थी के व्यक्तिगत कारणों की वजह से कोई समस्या आ रही है उसको सीखने में, तो शिक्षक या अगर समस्या अधिक गंभीर हुई तो निर्देशक एवं परामर्शदाता की सहायता से उन समस्याओं को दूर करने का
प्रयास करते हैं और फिर शिक्षार्थियों को सीखने के लिए तैयार करते हैं और जिसके आधार पर अधिक से अधिक अधिगम कर सके। तो अधिगम को बढ़ाने के उद्देश्य से, सीखने को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से कि शिक्षार्थी कितना अधिक से अधिक सीख ले, इस उद्देश्य से जब हम कोई भी आकलन करते हैं वह अधिगम के लिए आकलन होता है। तो अधिगम का आकलन सीखने के बाद होता है और अधिगम के लिए आकलन सीखने के दौरान होता है। अधिगम के रूप में आकलन क्या है? जैसे यह एक प्रकार का स्वमूल्यांकन है। जब शिक्षार्थियों को यह कह दिया जाए या शिक्षक द्वारा भी कहा जा सकता है, उनके माता पिता द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन जब उच्च स्तर के जो छात्र होते हैं या उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग स्वयं भी अंदर से प्रोत्साहित होते हैं कि हम अपना मूल्यांकन करें कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो रियल में, वास्तव में कुछ सीख या समझ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ आप स्वयं से मूल्यांकन करते हैं और जब स्वयं से मूल्यांकन करते हैं तो उसमें क्या सही है, किन प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया, किन प्रश्नों का आप गलत जवाब दिए। जब स्वयं आप अपना मूल्यांकन करेंगे तो सही जवाब पढ़ेंगे कि हाँ सही जवाब क्या है, तो उस सही जवाब को पढ़ने में या अपने मूल्यांकन करने में ही आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। तो जब हम खुद का अपना मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उस समय हम साथ ही साथ सीख भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं या अधिगम कर रहे होते हैं। तो जो आकलन है वह इन तीन रूपों में चलता है, योगात्मक मूल्यांकन और जो रचनात्मक मूल्यांकन है। अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो इसे एक किताब के उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे एक बुक है या किताब है, उस किताब को जब लिखा जाता है या उसका निर्माण किया जाता है तो उस समय जो विषय विशेषज्ञ हैं या विद्वान हैं, शिक्षक हैं, उनसे उनको जो हमने बुक लिखी, आपने जो बुक लिखी, उनके पास, विद्वानों के पास, शिक्षकों के पास भेजते हैं कि आप सिर्फ देख लीजिए कि इसमें कहीं त्रुटियां तो नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो एक्सपर्ट बताते हैं कि नहीं, यहाँ यहाँ इन इन क्षेत्रों में संशोधन करने की जरूरत है। और फिर उन या आप अपने टीचर से भी कुछ भी लिखते होंगे तो अपने टीचर से भी सलाह लेते होंगे या उनको दिखाते होंगे, वो बताते होंगे कि नहीं यहाँ पर दिक्कतें हैं, तो आप उन दिक्कतों को दूर करते हैं और फिर से संशोधन करके तब वह बुक छपने के लिए देते हैं और फिर उस बुक में जो कमियां रह गई हैं वो छपने से पहले ही दूर हो गई, तब वह बुक प्रकाशित होती है और बाजार में, मार्केट में उपलब्ध होती है और उसका उपयोग शिक्षार्थी या अन्य व्यक्ति कर सकते हैं स्वाध्ययन के लिए। ये कौन सा है मूल्यांकन जो हुआ किताब का, कि आपने छपने के पहले अन्य लोगों को, अपने साथियों को या शिक्षकों को, विद्वानों को दिखाया और उसकी जो उसमें त्रुटियां थी या उसमें जो कमियां थी उनको दूर करके फिर उसको पब्लिश करवाया। ये रचनात्मक मूल्यांकन है जो कि अधिगम के लिए आकलन में यूज होता है। लेकिन यही एक बुक को आप लिखें या हम लिखें और उसको किसी को दिखाएं नहीं, उसमें जो कमियां हैं उनको हम रिचेक नहीं करते हैं, बल्कि हमने पब्लिश करवा दिया और पब्लिश करवाने के बाद फिर देखते हैं कि अब एक बार बुक प्रकाशित हो गई तो उसमें क्या है, संशोधन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बुक प्रकाशित होने के बाद मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। अब क्या होगा, अब
विद्यार्थी मान लीजिए 10 बुक ऐसी हैं जो कि जिनमें त्रुटियां बहुत हैं, तो विद्यार्थी क्या करता है, फिर उन 10 बुक में जिनमें त्रुटियां कम होंगी उसको परचेज करता है। तो 10 बुक को खरीद कर और फिर उनका 10 बुक के आधार पर, या नहीं खरीदता तो अन्य लाइब्रेरी, अन्य जो स्रोत हैं लाइब्रेरी के माध्यम से या अपने मित्रों के माध्यम से, वह उन बुक को प्राप्त करता है, देखता है उनकी कमियों की, किन में कमियां कम हैं, और उसके आधार पर किसी एक बुक का चयन करता है। तो जब इस तरह से, जब हम सिर्फ चयन करने के लिए मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, तो वह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। देखिए ये जो यहाँ पर जो मापन है, आकलन है या मूल्यांकन है, मतलब मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन है। ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग पढ़ने या अध्ययन करने की जरूरत है। हाँ, आप लोग जानिए समझिए, लेकिन आप इनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ताकि आप जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें अपना अधिकतम योगदान दे सकें, शिक्षार्थियों को कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सकें। तो वह ज्ञान किस प्रकार से प्रदान करना है, कौन कौन से उद्देश्य हैं, उनको आप ही को निर्धारित करना है, क्योंकि आप भी जो शिक्षक हैं वो समाज के क्या हैं, सदस्य हैं। तो समाज के क्या उद्देश्य हैं, समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, उनके क्या मूल्य हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनके आधार पर जो शिक्षक वर्ग है या जो नीति निर्माता वर्ग है वह शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। तो इन सभी के निर्धारण में मापन, मूल्यांकन और आकलन, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होती है। इनको अलग अलग स्टेप पर लेकर चलने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ ले चलेंगे ताकि जो भी जानकारी प्राप्त करें वह रिलेवेंट हो, वो सफिशियंट हो, जिसकी वजह से शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हो सके, जो अधिगम क्रियाएं हैं उनका संचालन हो सके और मूल्यांकन हो सके। तो जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें 3 सोपान होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है, जिसमें पहला सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण। यहाँ कहने का मतलब है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, उस मूल्यांकन प्रक्रिया में सबसे पहले तो जिन बच्चों को, जिस स्तर के बच्चों को हमें पढ़ाना है, उनके लिए शैक्षिक उद्देश्य क्या होंगे, तो इसके लिए आपको मूल्यांकन करना होगा। क्या मूल्यांकन करना होगा, कि समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे पास जो संसाधन हैं वो कौन कौन से उपलब्ध हैं, इसके अलावा विद्यार्थी की रुचियां क्या हैं, विद्यार्थी में चूंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखे होंगे, इसके अलावा जो हमारी संस्कृति है उसको भी ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा जो तकनीकी का विकास हो रहा है और जो तकनीकी ज्ञान हमारे यहाँ उपलब्ध है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। क्यों, क्योंकि आज का युग आर्थिक है, जैसे समझने के लिए आज का आर्थिक युग है, तो वर्तमान में मुदालियर आयोग से लेकर वर्तमान समय तक सभी में इस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था देने की बात हो रही है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके या व्यवसाय मिल सके। इसीलिए मुदालियर आयोग 1952 में जो गठित हुआ था उसने भी अपने प्रतिवेदन में कहा था कि हमें व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उन्होंने प्लस टू स्तर पर व्यवसायिक एक वर्ग ऐसा हो जो व्यवसाय से जुड़ सके, यानी व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके, और कुछ लोगों को या कुछ शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके, इस प्रकार के उद्देश्यों की बात की थी। और
अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी बात करें तो यहाँ भी व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, चूँकि कृषि भी क्या है, व्यवसाय है, भारत का प्रमुख व्यवसाय है, इसलिए कृषि शिक्षा भी, ये भी क्या है, एक व्यवसाय है, तो ये भी उद्देश्यों में शामिल है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। और उद्देश्य दो प्रकार के निर्धारित होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है, जैसे आज आपको मापन, आकलन और मूल्यांकन के बारे में बताया गया, या हम लोगों ने आज मापन, आकलन और मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया, तो सामान्य उद्देश्य क्या होंगे इसके, कि आप इन मापन, आकलन एवं मूल्यांकन के उपयोग, आपके जीवन में जो उपयोग होंगे वहाँ आप इनका उपयोग कर सकेंगे। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सकेंगे, ठीक है। या आप जब शिक्षार्थियों को कोई भी समस्या होगी पढ़ने में, लिखने में या अध्ययन करने में, तो उसको आप मापन, मूल्यांकन एवं आकलन जो आज आपने पढ़ा है इसके माध्यम से दूर कर सकेंगे। ये आपके सामान्य उद्देश्य होंगे। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य क्या है, जिनकी पूर्ति तुरंत हो जाए, ये त्वरित प्रकृति के होते हैं, जिन उद्देश्यों की पूर्ति तुरंत होती है वो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जैसे मापन क्या है, ये आप समझ गए, आकलन क्या है, ये भी आप समझ गए, मूल्यांकन क्या है, ये भी आप समझ गए, इससे पहले की क्लास में आपने मापन के स्तर क्या है, ठीक है, त्रुटियां कौन सी हैं, इन सभी का आपने अध्ययन किया और तुरंत आपने समझ लिया। लेकिन ये तो तुरंत पूर्ति हो गए क्योंकि ये विशिष्ट उद्देश्य हैं, लेकिन सामान्य उद्देश्य की पूर्ति तुरंत नहीं होती है, वो एक समय बाद ही उनकी पूर्ति होती है, वो भी उनके करीब पहुंचते हैं, 100% उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो जब आप आज आपने जो पढ़ा या जिसका अध्ययन हम लोगों ने आज किया, जब इनके माध्यम से भविष्य में हमारे सामने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को हम समाधान कर लेंगे, तब वो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में आएंगे। तो उद्देश्यों का निर्धारण करना भी मूल्यांकन का काम है, जिसमें सामान्य उद्देश्य का निर्माण करते हैं और विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण करते हैं। तो किस इस कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, उसी के आधार पर विषय वस्तु भी रखी जाएगी कि क्या क्या टॉपिक किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसका निर्धारण करना किसका काम है, मूल्यांकन। दूसरा इसका जो स्टेप है वो है अधिगम क्रियाओं का आयोजन। तो ये क्या है कि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुचारू रूप से चलती है, यानी हमें बच्चों के सामने या वो जो पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया है बच्चे ने, उस दौरान बच्चे को किस कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से शिक्षण बिंदु पढ़ाने हैं, ठीक है, इसके अलावा कैसे पढ़ाने हैं और हम किन सहायक उपकरणों का हमें प्रयोग करना है, इन सभी का चयन करते हुए शिक्षक अपनी जो व्याख्यान है या अपनी जो कक्षा कक्ष है उसमें विद्यार्थियों के सामने उस प्रकरण से संबंधित मुद्दे या बातें प्रस्तुत करता है, विचार प्रस्तुत करता है, जिससे कि शिक्षार्थी सीख या समझ पाते हैं। तीसरा चरण क्या होता है कि हमने उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया, उन उद्देश्यों के निर्धारण के बाद जो शिक्षण अधिगम क्रियाएं हैं उनको भी हमने सुचारू रूप से संचालित किया, और उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने शिक्षण क्रियाएं की उनका लाभ क्या है, या जो
उद्देश्य निर्धारित हुए थे उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो टीचिंग प्रोसेस हुई, तो उस टीचिंग प्रोसेस के माध्यम से क्या छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ? पहले से कुछ अधिक सीखे, उनके अंदर कुछ अन्य चीज़ें समाहित हुई, उन्होंने धारण किया जो भी शिक्षक द्वारा पढ़ाया या सिखाया गया या विचार प्रस्तुत किए गए, उनको कितना शिक्षार्थी ने धारण किया। तो और फिर अगर ये इनका मापन कैसे करेंगे कि ज्ञात किया या नहीं? परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षार्थी ने जो भी पढ़ाया गया सिखाया गया कितना सीखा, इसको परीक्षण के माध्यम से ज्ञात करेंगे। और फिर जो परिणाम आएंगे उन परिणाम के आधार पर, ऐसा नहीं है कि बच्चा फेल हो गया तो हम उसे हमारे द्वारा मतलब या समाज के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या समाज के द्वारा या अन्य लोगों द्वारा शिक्षार्थी के फेल होने पर उसे इस प्रकार टॉर्चर किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दे, ऐसा हमें नहीं करना है। बल्कि अगर शिक्षार्थी के परिणाम से हम लोग असंतुष्ट हैं तो हम उसको इस प्रकार से मोटिवेट करेंगे, इस प्रकार से उसे प्रोत्साहित करेंगे कि वह आगे पढ़ने के लिए लालायित हो। आप लोग सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि असफल होने पर भी छात्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, इसलिए जो अधिगम के परिणाम होंगे उनके आधार पर हम छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फीडबैक देते हैं। और यदि परिणाम संतुष्ट करने वाला भी है, विद्यार्थी का जो अचीवमेंट है वो अच्छा भी है, तो उसके आधार पर भी हम यह कोशिश करते हैं कि उसे और पढ़ने के लिए प्रेरित करें कि नहीं, बहुत अच्छा आपने अचीव किया और आपको और अधिक पढ़ेंगे तो इस एरिया में आपको सफलता और अधिक मिलेगी। तो इस आधार पर जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन प्रक्रिया सफल होती है। हम अगले व्याख्यान पर यूनिट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।